तूफान यूनिस ने ब्रिटेन में मचाई तबाही, 9 अफराद की मौत की खबर, दर्जनों फ्लाइट्स कर दी गई कैंसिल, इंतहाई तेज हवाओं के सबब कई अफराद संभल न सके और दूर जा गिरे, लोगों को घरों में रहने का मशवरा, ब्रिटेन की तारीख का बताया जा रहा है बदतरीन तूफान। हज साल 2022 को लेकर सऊदी हुकूमत ने किया बड़ा ऐलान, हज के मखसूस वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले और सऊदी अरब में मौजूद मुस्तकिल अकामा रखने वालों को ही इस साल होगी हज की इजाज़त। सऊदी अरब का मुकद्दस शहर मदीना मुनव्वरा बना तनहा सफ़र करने वाली ख्वातीन के लिए दुनिया का महफूज तरीन शहर, बरतानवी ट्रैवल कंपनी के सर्वे में किया गया दावा। हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान हुआ अहम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पीएम मोदी ने वर्चुअल मीटिंग में यूएई के अमीर से कहा, योर हाइनेस आपको यूएई के फाउंडेशन डे की मुबारकबाद। कर्नाटक में हिजाब को लेकर मुजाहरा कर रही मुतादिद तालिबात पर केस दर्ज, दफा 144 की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, माथे पर तिलक लगाकर आए एक स्टूडेंट को नहीं दी गई कॉलेज में एंट्री, तनाज़ा पैदा होने का जाहिर किया गया अंदेशा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का योगी और बीजेपी सरकार से सवाल, आखिर मुझ पर गोली चलाने वालों से उन्हें इतनी मोहब्बत क्यों, फिर कहा आखिरी सांस तक मजलूमों की आवाज़ उठाते रहेंगे।